नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर में इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास करने नवगछिया के साहू पुरबता पहुंचे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने वाले बयान और चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर हंसते हुए हमला किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल फैक्ट्री के संचालनकर्ता प्रीतम साहू जी इधर से मक्का डालेंगे, उधर से डॉलर जैसा रुपया निकलेगा। ये राहुल गांधी वाला नहीं है कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। वहीं मंच पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहारियों को भगाएंगे, लेकिन हम ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहार के लोगों को उद्योग और रोजगार के लिए कहीं जाना ही ना पड़े। एग्रीमेंट किया है, 10 साल तक किया है। इधर से साहू जी मक्का डालेंगे, उधर से इनको डॉलर और रुपया जैसा पैसा निकलेगा। ये राहुल गांधी वाला नहीं है, इधर से आलू डालिए और उधर से सोना निकलेगा। मैं पेट्रोल डॉलर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पेट्रोल डॉलर बचता है। अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं अरब कंट्री से तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब डॉलर बचाने के लिए ये साहू प्रवक्ता उसमें रोल अदा करेगा। मैं साहू एग्रो के जो डायरेक्टर हैं प्रीतम साहू जी को, और वो बराबर मेरे संपर्क में रहते हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरा विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले हमारे बिहार के नौजवानों को। तो हम तो रोज़गार दे ही रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने 20,000 लोगों को करीब 16,000 अभी दिया, 5,000 पहले से, तो सबको करीब जो जो एक एक काम करेंगे तो 5-5, 10-10 लोग रखेंगे तो 2-2.5 लाख रोज़गार तो हमने आते एक साल में दे दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में दे दिया है, इथेनॉल के प्लांट में दे दिया है, फूड पार्क में दे दिया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में दे दिया है। सहरसा नगर पालिका अध्यक्ष रेणु सिन्हा और नगर पालिका पदाधिकारी आदित्य कुमार के साथ अन्य सफाई कर्मियों ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें नगर पालिका पदाधिकारी आदित्य कुमार के द्वारा बताया गया कि यह जागरूकता अभियान सहरसा शहर वासियों के लिए है, जो नगर पालिका से निकलकर तिरंगा चौक होते हुए थाना चौक और विभिन्न जगहों से होते हुए रैली फिर वापस नगर पालिका आ जाएगी। यह जागरूकता अभियान का उद्देश्य है कि हमारा शहर किस तरीके से कचड़ों से मुक्त हो जाए और स्वच्छता में सबसे आगे रहे। सर्वेक्षण 2022 जो हम लोग अभी चला रहे हैं, ये एक जागरूकता अभियान है और शहर को स्वच्छ रखने का एक मुहिम था। इसके तहत हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाले हैं, ताकि लोग जो है जब भी अपने घर से या दुकान से कूड़ा को फेंके डस्टबिन में ही रखें, इधर उधर नहीं फेंके। प्रायः देखा जाता है कि लोग हम लोग सफाई करवाते हैं और लोग जो है पुनः जो है उसको सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे सड़क और शहर पूरा जो है गंदा दिखने लगता है, जिससे हमारा किया हुआ काम बेकार हो जाता है। और लोगों में यह जागरूकता भरना है कि लोग जो है अपने कचरे को यत्र तत्र ना फेंकें, उसको सही ढंग से जो है हम लोगों के द्वारा जो बाल्टी दिया गया है सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए। मसौढ़ी का हृदय स्थली कहे जाने वाला डाक बंगला परिसर में कभी अनुमंडल कार्यालय और नगर परिषद का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह नरक में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जिला परिषद की जमीन है, जिसकी अनदेखी से इसका विकास नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने जिला परिषद और सरकार से मांग किया है कि इसका जीर्णोद्वार किया जाए और इसको स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। मसौढ़ी का डाक बंगला परिसर, जब मसौढ़ी अनुमंडल की घोषणा हुई तो इसी मसौढ़ी अनुमंडल का कार्यालय इसी डाक बंगला परिसर में चला करता था। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद जब कार्यालय का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद नगर परिषद का कार्यालय यहाँ बना, उसका भी ट्रांसफ़र जब यहाँ से हो गया, तो यह जो आप सीधी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह डाक बंगला परिसर का है। तो यह डाक बंगला परिसर का यह जो भवन है अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी यह जो परिसर है अगर कहें तो ये परिसर जो है कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, असामाजिक तत्वों का जंबार लगा है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। मेरे साथ जुड़े हुए हैं निवर्तमान जिला पार्षद सदस्य हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि आपकी ओर से क्या पहल की जा रही है इस मसौढ़ी डाक बंगला परिसर में, क्या पहल की जा रही है। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और यहाँ डाक बंगला जो है ये भूत बंगला बना हुआ है, यहाँ मूत्रालय बना हुआ है, और जैसे कि इसको हम लोग सदन में बात उठाए भी हैं
और अगला मीटिंग में भी उठाऊंगा, इसको जल्दी से जल्दी डाक बंगला को घेराबंदी किया जाए और घेराबंदी करके दुकान न्यू दुकान का निर्माण किया जाए। न्यू दुकान निर्माण अगर हो जाएगा तो लोगों का रोजी रोजगार मिलेगा, सरकार के रेवेन्यू जाएगा और हम यही चाहते हैं कि इसको स्वच्छ बनाया जाए। गंदगी पड़ा हुआ है, इसको स्वच्छ बना के न्यू निर्माण का जैसे दुकान बनाया जाए और इसमें विकास का काम होगा। जिला परिषद सदस्य जुड़े हुए थे, मैं हम जानते थोड़ा सा और हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये नगर परिषद मसौली के ये वार्ड सदस्य हैं सोनू जी। सोनू जी, क्या स्थिति बनकर रह गया डाक बंगला परिसर का? डाक बंगला पूरे कूड़ा करकट का अंबार लग गया है, पूरे बाजार का कूड़ा करकट इलाके यहीं लोग फेंक देते हैं। पेशाब का अड्डा बना हुआ है, जुआ का अड्डा बना हुआ है, माफिया लोगों का अड्डा बना हुआ है, नशाखोरी ग्रुप भी यहाँ लोग आकर के दिन दहाड़े नशा करते हैं और ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो इसका बाउंड्री हो पहले और दुकान बने या फिर एक पार्किंग का जगह हो या फिर सौंदर्यीकरण के रूप में जैसे डेवलपमेंट करना हो जिला परिषद के लोग करें। अगर वो नहीं करते हैं तो नगर परिषद के हवाले भी करें और वो भी नगर परिषद बनाने के लिए यहाँ तैयार हैं। अगर उनके पास सक्षम नहीं है कि बनाएं तो वो नगर परिषद के सपोर्ट करें और नगर परिषद भी इसके ऊपर हम लोग काम करें। इसके लिए हम नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात किए हैं कि ये संपत्ति जिला परिषद की है, जब तक वो नगर परिषद के माध्यम से नहीं देंगे तब तक वो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ एक और जिला पार्षद सदस्य हैं जो जुड़ चुके हैं, थोड़ा उनसे हम जानते हैं इस डाक बंगला परिसर के बारे में क्या कहना, क्या स्थिति बनकर रह गया डाक बंगला परिसर का? सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आए दिन कभी न कभी डाक बंगला का मुद्दा उठाया जाता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मसौढ़ी नगर परिषद का जितना भी कूड़ा है वो यहीं पर आकर के फेंक दिया जाता है। मना करने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो है नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, सफाईगण हैं, पहले कल जो हैं वो हमेशा जो है इस तरह का काम करते हैं। अभी हम लोग का कल मीटिंग था जिला में, हम लोग ने जोर शोर से इस मुद्दा को उठाया है जिसमें हम लोग का आश्वासन मिला है। सर, मसौढ़ी डाक बंगला बहुत पुराना बन रहा है, हम लोग का पहले यहाँ से रिकॉर्ड भी चलता था बहुत दिन पहले, लेकिन उस समय सड़क था, इस समय दरक है, सुअर दौड़ रहा है, गंदा फेंका रहा है, पूरा बाजार गंदगी से फैला हुआ है, पूरा बाजार का दरक जो है से ही फेंका रहा है सर। यहाँ एकदम रहने योग रही है, आदमी पास करना जो दुर्लभ हो गया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शोर बनाया जाए, इसमें गंदगी को हटाया जाए, पूरा इसका बनाया जाए। डाक बंगला तो ये मसौढ़ी बीच में है, मसौढ़ी का हट जो जगह है वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, काफ़ी इसका नारकीय स्थिति बना हुआ है। काफ़ी पहले यहाँ पे अनुमंडल ऑफिस रहा करता था, काफ़ी लोग यहाँ पे जो आते थे बाहर से दूर दराज के लोग तो यहाँ ठहरते थे, काफ़ी सुंदर था और आज के डेट में लगभग ये पूरा नारकीय स्थिति बना हुआ है। न इसका बाउंड्री वाल है, न कुछ है, मतलब असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बना हुआ है। तो हम तो गुजारिश करेंगे, ये जिला परिषद की चीज़ है, जिला परिषद को भी हम लोग बोले हैं नगर परिषद के माध्यम से कि भाई ये या तो इनको बाउंड्री वाल बनाए, सुंदर बनाए, जो भी बनाना है कॉम्प्लेक्स बनाए, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। मसौढ़ी में एक पार्क नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पार्क नहीं है, तो हम तो यहाँ पर अनुरोध करेंगे इनसे कि भाई एक ऐसा पार्क बनाएँ जो यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग स्टेशन पर घूमने जाते हैं, कोई जगह नहीं है घूमने के लिए, वो एक जगह बने यहाँ पे। राजद के वरिष्ठ नेता उदय सिंह और उनके पुत्र सोनू दोनों गया में नव निर्माण मकान के गृह प्रवेश के जश्न में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उदय सिंह नालंदा जिले के कतरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भी हैं। उदय सिंह का गया में 11 फरवरी को नए मकान का गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश के जश्न में आरजेडी नेता उदय सिंह और उनके पुत्र सोनू ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब चिकित्सकों ने एक 12 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चे की पहचान जमहौर थाना क्षेत्र के चिरैला गांव निवासी कल्लू के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार कल्लू अपने गांव स्थित बधार में बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में बच्चे गांव के ही बेर और इमली के पेड़ पर उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा दिए। वहीं पेड़ पर चढ़ने के दौरान बच्चा गिर गया। कल्लू के गिरने की सूचना पर दौड़े दौड़े परिजन बधार पहुंचे और अचेत अवस्था में उसे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया जहाँ चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।